श्लोक को करेंगे पहले पांच नंबर ना।
वही तो चलते हैं श्लोक को करेंगे एक साथ सब मिल करके। यद्यस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादि भिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वत् जीवः सुखादिभिः। क्या बोला, ये जगह पे कई घर रखा हुआ है, अब एक किसी एक घर में आग में थोड़ा सा आग कमरे में धुआं जलाने के लिए आपने थोड़ा आग में थोड़ा धूप डाल दिया तो उस घरे में थोड़ा काला पान आ गया, सारा घर में धुल आ जाता है। इस जब तक घर घड़ा के अंदर आकाश सभी घड़ा के अंदर आकाश एक ही है, और जब किसी एक घर में कोई किसी निमित्त से कोई काला पान थोड़ा धूल आ जाता है तो सब में नहीं होता, कि किसी प्रकार उपाधि में काला पान अथवा उपाधि में थोड़ा कम शुभ आदि आ जाने पर भी शुद्ध आत्मा में ये सब कभी नहीं आ सकता, आता है कि नहीं, जिसको सामान्य के रूप में तद्वत जीवन सुखादि, उसी प्रकार जीव के सुख दुख आदि के साथ संबंध दिखाई पड़ता है, वो भी ऐसा ही है। अब अलग अलग बात सुख दुख कहाँ पे है इसको लेकर के जो अभिमत है उसको उठाकर के खंडन नहीं चाहिए। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ऐकात्मे कर्तरी एकस्मिन् कर्तारः सर्वे भोक्तरी च एकस्मिन् भोक्तारः सर्वे भवेयु इति अव्यवस्थान्तरम आह। मतलब यदि आत्मा एक है तब कर्ता एक होगा, तो सभी व्यक्ति को एक ही क्रिया करना पड़ेगा, और यदि आत्मा एक है तो सभी व्यक्ति का भोग भी एक ही आत्मा में होगा। सर्वे भोगी कस्मिन् भोक्तारः सर्वे भवेयु, तब सभी का भोग आने लग जाएगा, सभी का सभी कर्म होने लग जाएगा। क्योंकि इस प्रकार से एक अव्यवस्थान्तर मतलब आपने जब समाज व्यवस्था को ठीक से बना नहीं पाएगा, उस उद्धान से एक आत्मा का हो जाए तो व्यवस्था बन नहीं पाएगी, इसलिए बोलते क्रियाकार क्रियाफल शांकर जब दर्शा क्या क्या फल शांकर जन्म मृत्यु में शांकर जो दिखाया, और फिर क्या दिखाया था शुभ रूप में शांकर जो दिखाया, और क्रिया और क्रिया के फल में शांकर हो जाएगा, इसलिए एक आत्मा को थोड़ा संभव नहीं है। अब जो बोलते हैं व्यवस्था अनुपत्त टीका में व्यवस्था अनुपत्त द्वैतम एवं इष्टव्यति वदन्तम प्रति, इसलिए व्यवस्था की अनुपयुक्तता के कारण मतलब व्यवस्था ठीक से बन नहीं पाएगा, इस कारण से तुम्हें द्वैत ही मानना चाहिए, द्वैत ही तो आत्मा अनेक ऐसा मानना, द्वैतम एवं इष्टव्यम आपको द्वैत ही अभिष्ट होना चाहिए, क्योंकि वदन्तम प्रति इस प्रकार बोलने वाले के प्रति उत्तर के न प्रश्न के उत्तर के रूप में श्लोकम अवतारण, इस श्लोक को अवतारण देते हैं भगवान भाष्यकार। तान प्रति द्वैतम एवं इष्टव्यम इसको व्यक्ति हो गया, हाँ इसके बीच को और कई हो गया एवं ऐष्टव्य, हम दो मात्रा दिखाई देगा एवं ऐष्टव्य अभिष्ट होना चाहिए, इस प्रकार बोलने वाले के प्रति उत्तर उत्तर के रूप में श्लोक अवतार श्लोक को बोलते हैं कान प्रति निगम चाहिए। आप देखिए आप क्या कहना चाहते हैं, एक आत्मा में क्या परेशानी होगी, यदि आत्मा एक होता है, म्यूट करिए आपकी फोन को म्यूट करें, आपस में बात ना करें अपने फोन को म्यूट करें, सीताराम जी देखिए तो जिसको फोन म्यूट नहीं है उसको बंद कर दीजिए, टेंशन आपका नहीं किसी का जो है उसका आवाज आ रहा है उसको कनेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे बोलते हैं किम इदम ऐकात्म्य शांकर्यम, इस एकात्मता में जो शांकर्य होता है वो क्या उसको क्या कहना चाहते हैं, किम एकस्मिन् जीवे व्यवस्थितेन सुखादिना जीवांतराणाम तद्वत्तमश्चते, मतलब क्या हुआ
ये जो आप कह रहे हैं कि इदम ऐकात्म्ये शांकर्य, इस एकात्मता में जो शांकर्य है ये कैसे क्या वस्तु है, इससे क्या नुकसान होगा? ये कहते हैं कि एकस्मिन् जीवे, जीव एक है, व्यवस्थिते न सुखादिना, प्रत्येक जीव में अलग अलग सुख दुख का व्यवस्था है, हमारे किसी वस्तु सुख होता है, आपका किसी वस्तु से दुख होता है, आपका किसी वस्तु सुख होता है, ये जो है ना ये किसी को उदासीन रहता है, कोई अशक्त रहता है, प्रत्येक जीव का अलग अलग है। तो एकस्मिन् जीवे व्यवस्थिते न सुखादिना जीवांतराणाम तदवत्तम से, तो दूसरा जीव में वही आ जाएगा, ऐसा कहना चाहते हो क्या? एकात्मा होने से क्या नुकसान है? एक जीव में जो सुख दुख दिखाई देगा दूसरे में वही सुख उसी वस्तु में सुख दुख दिखाई देगा क्या? ये कहना चाहते हो तुम? अथवा कि किंबा सर्व उपाधिषु आत्म ऐक्या, समस्त उपाधियों में आत्मा एक होने के कारण तस्व स्वरूप न सर्व सुखादिमत्तम, स्वरूप से वो सर्व सुख का भागीदार बन जाएगा। ये कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? सर्वस्वरूप सुखादिमत्तम इति आपत्तिय प्राप्त हो जाता है तत्र आत्म प्रत्यय। इसमें जो पहला है, पहला क्या है, इस शरीर में जो सुख दुख दिखाई पड़ता है दुष्ट शरीर को उसी प्रकार सुख दुख दिखाई पड़ता है। टिप्पणी कर वाला सुंदर दृष्टांत को देकर के समझाया गया। एक नंबर के एक नंबर किम एकस्मिन् जीवे, ठीक है ना, देखो क्या सुंदर बोलते हैं, किम एकस्मिन् इति यथा आकाश ऐके, किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र हो इसमें भी आकाश है, इसमें भी आकाश है कि नहीं, धर्म में भी आकाश है, किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र हो उसके अंदर आकाश चाहिए, क्योंकि शब्द गुणों का आकाश है, आकाश में शब्द गुणों से हो ही नहीं पाएगा, परंतु वाद्य यंत्र की आकार और उसकी निर्माण की शैली की भिन्नता के कारण आकाश एक होते हुए भी आवाज एक ही प्रकार निकलता है क्या? ठीक है ना, यहाँ पे बोलते हैं यथा आकाश ऐके भेद्याकाश व्यवस्थितेन शब्देन बिना आकाशस्य तद्वत्तम उच्यते तद्वत् इति अर्थ, तद्वत् जीवा सुखादि विधि, उसी प्रकार जैसे एक घटाकाश में धुआं लगने पर दूसरा घटाकाश गंदा नहीं होता, किसी प्रकार एक जीव में सुख दुख दिखाई पड़ने पर दूसरा जीव में उसी प्रकार सुख दुख नहीं दिखाई पड़ता। दृष्टांत तो क्या दिया, सभी के अंदर एक ही आकाश होते हुए भी ये उपाधि के भिन्नता के कारण उसके कारण दोनों भी वाद्य यंत्र है, दोनों में आकार की भिन्नता, चंद्रा भी वैसे ही लगा हुआ है, थोड़ा आकार की भिन्नता के कारण क्या हो गया, आवाज में भिन्नता, उपाधि की भिन्नता के कारण आवाज भिन्न है, वो एक का आवाज दूसरे में नहीं आता, किसी प्रकार एक जीव का सुख दुख विश्व में नहीं आएगा, अंतकरण सबका अलग अलग है, अंतकरण सबका अलग है, इसलिए कहते हैं इन एकस्मिन् जीवे मतलब यथा आकाश ऐके, आकाश एक होते हुए भी भेड़ी आकाश व्यवस्थित ना शब्द ना, भेड़ी की वादन से जो विशेष आवाज निकल शब्द ना, बिना आकाश से तद्वत्त मुच्यते, क्या बिना आकाश में कोई आवाज होता है क्या? जैसे नहीं होता तद्वत् जीवादि में, उसी प्रकार यहाँ से जीव में समझना चाहिए। ये हो गया आपका किम एकस्मिन् जीवे व्यवस्थितेन मतलब नियतेन, जिसमें जो आकाश निर्दिष्ट है जिसमें जिस प्रकार आवाज है वैसे ही होगा, जिस जीव के जैसा अंतकरण के पहले से आप मुख्य रूप से देखना क्या होता है, सुख दुख की हेतु क्या होता है, जहाँ जिसके आशक्ति है, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, उसका मकान दुकान सब, ठीक है, तो जब तक वो उस व्यक्ति उस वस्तु को अपना पर मान रखा था, उस वस्तु में उस व्यक्ति में कुछ भी परिवर्तन होता है तो व्यक्ति शुभ नहीं होता है, पर जब उसके उमर से उसका मन उठ जाता है, अब मैं संन्यास हूँ उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, वह कुछ भी हो जाए उस मन में, तो भगवान भास्कर ये दृष्टांत दिया, एक कुंडली मुकुट आदि के साथ एक राजा था पहले, परंतु जब उसने सन्यासी बन गया तब उसका कुंडली मुकुट आदि कहा गया उसके प्रति कभी आसक्ति नहीं है, यानी कि सुख अथवा दुख के कारण होना है हमारे उसके प्रति आसक्ति। अब जब आप निराशक्त होकर के लियोगे तब आपको कोई मत सुख दुख नहीं दे पाएगा, इसीलिए आपको बोलते हैं कि एकस्मिन् जीवे व्यवस्थित रहें, क्योंकि व्यवस्थित न प्रत्येक जीव की अलग अलग पसंद की स्थान है, प्रत्येक जीव की अलग अलग प्रकार की राग देश है, तब अनुकूल है, जैसे प्रत्येक वास्तव अलग अलग प्रकार की आकृति और अलग अलग प्रक्रिया है, यहाँ पे देखो लकड़ी है, वहाँ पे देखो ड्रम है, मेटेलिक है,
तो इसलिए दोनों आवाज भिन्नता किसी को मन में रखते बोलते एकस्मिन जीवे व्यवस्थित न सुखादिना, किसी एक जीव में ये सुखादि का व्यवस्था है, जीवांतराना दूसरा जीव में तद्वत कशा क्या ऐसा हो जाएगा क्या इसके प्रति उच्चते इसके लिए बोलते तद्वत जीवा सुखादि भी व्यवस्थित न मतलब नियते न जीवांतराना मतलब औपाधि को भेद भिन्नाना उपाधि के कारण भेद दिखाई पड़ रहे आकाश एक होते हुए भी तो जैसा आवाज वहाँ से निकलेगा वैसा आवाज यहाँ से नहीं निकलेगा इसी प्रकार जैसा सुख यहाँ पर होगा ऐसा सुख यहाँ पर नहीं होगा आकाश ऐक्या सर्व शब्दवत्तम एकस्यैव आकाशस्य यथा आपद्यते ठीक है अलग अलग उपाधि में अलग अलग प्रकार के आवाज निकल जाते हैं नाम क्या होते हैं शब्द गुण परमात्मा गुण शब्द आकाश का क्या गुण है शब्द वाला शब्द यानी कि सभी सुख दुख सभी का सुख दुख रूप हो जाएगा इस प्रकार सभी शब्दों का रूप हो गया आकाश इसी प्रकार ठीक है उपाधि भेद से भिन्न इस प्रकार सभी का सुख मत सुख दुख भोगने वाला हो जाएगा देखो शब्द देखो वहाँ पे शब्द गुणकम आकाशम इसी प्रकार सुख गुणकम आत्मा ऐसा कहीं कहा गया कि नहीं गया दुख गुणकम आत्मा तो निर्गुण है आत्मा में सुख दुख नहीं है इसको लेकर आगे समझें किंबा किंबा भेरियादिशु सर्वत्र आकाश एक किसी भी वाद्य यंत्र में हर जगह पे आकाश एक होने के कारण सर्व शब्दवत्तम सारा शब्द का आश्रय एक ही है सारा शब्द का आश्रय कौन है आकाश इसी प्रकार सारा सुख दुख का आश्रय कौन हो जाएगा ठीक है ना इस प्रकार वत्तम एक आकाश से यथा आपद्यते तथा जैसा प्राप्त हो जाए उसी प्रकार यहाँ भी आत्मा सभी सुख दुख आश्रय एक ही आत्मा हो जाएगा कुछ का मन में रखते किंबा सर्व उपाधिषु आत्म ऐक्या समस्त उपाधियों में एक ही आत्मा होने के कारण तस्य स्वरूपेण पांच नंबर स्वरूपेण मतलब सर्व अनुसूत स्वीय रूपेण सब में अनुसूत सभी में अनुसूत है आकाश उस आकाश अपने स्वरूप से शब्द गुण वाला है ठीक इसी प्रकार सभी जीवन में अनुसूत है आत्मा तो स्वरूप से शुद्ध वाला हो जाए ऐसा लोग जानते हैं सर्व अनुसूत सूर्य रूप में अपने स्वरूप से इति अर्थ यह अभिप्राय है स्वरूप में सर्व सुखादि मतलब समस्त सुख दुख के वाला समस्त सुख दुख धर्म वाला आत्मा बन जाएगा शादी आप बताते ये इस प्रकार की आपका एकात्मा में ये दोष आता है यदि ऐसा कहते हैं तत्र आद्यम प्रत्यानु उसके पहला जो मतलब पहला में क्या बोला था कि समस्त आकाशों में एक ही प्रकार आवाज होना परंतु वास्तव जब उपाधि के भेद के कारण सभी में एक ही प्रकार आवाज नहीं होता इसी प्रकार सभी जीव में एक प्रकार दुख नहीं होता अलग अलग विषय होता है समस्त जीव का एक 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 ही प्रकार सुख दुख नहीं है ये सुखिया के ये भी सुखिया का जरूरी नहीं है ये सुखिया तो ये दुखी भी हो सकता है इसके कारण दुखी भी हो सकता है ये अभिप्राय है तद्वत जीवा तद्वत जीवा सुखादि जो प्रतीक आया हुआ है ये प्रतीक कहाँ पे है जैसे हम भाष्य में देखिए भाष्य में कहाँ तक पढ़ा था सर्व देहेषु आत्मा एकत्वे एकस्मिन् जनन मरण सुखादिमपि आत्मनि सर्वात्मना तत् संबंध क्रिया फल सांकर्य यस्य ये आहु जो लोग ऐसा कहते हैं द्वैतिनः भेदवादी तान प्रति इदम उच्चते उनके प्रति ये कहा जाता है क्या कहा जाता है यथा एकस्मिन् घटाकाश रजो धूमादि विद्युत जैसे एक घटाकाश में वहाँ पे धूल अथवा धुआं से संयुक्त हो जाने पर ही न सर्वे घटाकाश आते हर एक घटाकाश में ऐसा नहीं होता जिसमें हुआ केवल वही काला होता है तत् रजो धूमादि समस्त घटाकाश वही धुआं तद रजो उसी धुआं अथवा वही धूल से उसका घड़ा परिशुद्ध नहीं होता एक घड़ा में किसी ने आपने धुआं जलाया धूल आ गया तो अनेक घटाकाश तो एक ही है परंतु एक घड़ा में जिसे आपने धुआं अथवा धूल जाए उसी धुआं अथवा धूल के द्वारा दूसरा घटाकाश दूषित नहीं होता उसके बाद दूसरा कारण हो सकता है इसलिए हमें बोलते हैं कि तब रज जिसे तत् बोला मतलब उसी धुआं और धूल के द्वारा दूसरा घटाकाश दूषित नहीं होता ना संयुक्त जाते लगभग ठीक उसी प्रकार से अनेक अंतकरण में एक ही आत्मा रहने पर भी वो क्या होता है प्रत्येक अंतकरण के अलग अलग राग जिसका विषय होने के कारण एक ही प्रकार की शुद्ध नहीं होती हाँ कहीं एकात्म हो भी सकता है
आपको भी पहाड़ प्रकृति देखना अच्छा लगता है, आप भी जा सकते हैं। और वहाँ की प्रकृति के किस चीज़ को आपको विशेष अच्छा लगता है, हमें भी कोई विशेष चीज़ को अच्छा लगता है, ये मुझे दोस्त। इसलिए आप बोलते हैं तदवत जीवा सुखादि तत्र आद्यम प्रत्याह। ये दो शंखाओं में पहले की प्रति ये उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? नहीं जी, यहाँ पे शांतवर्ज नहीं होता। क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग घटाकाश में आपके गंदगी आने पर भी वो एक की गंभीर दूसरे में नहीं लगा, इसी प्रकार यहाँ के घड़ा के स्थान में मान लीजिए अंतकरण और उसके अंदर आकाश के स्थान में आत्मा, तो अंतकरण को प्रत्येक जीव संस्कार अलग अलग होने के कारण क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का सुख जो दूसरे सुख दुख को स्पर्श नहीं करता, यहाँ ऐसा समझ। ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे को लेकर के बोल रहे हैं आत्मन सर्वत्र एकत्व, ठीक है, आत्मन सर्वत्र एकत्व तस्य स्वरूपेण सर्व सुखादिमत्तम इति द्वितीय पक्षम विवक्षम पक्षम विवक्षम आशंकते धर्मित। द्वितीय पक्ष क्या था कि जिस प्रकार आकाश समस्त शब्द का आश्रय है, इसी प्रकार आत्मा समस्त सुख दुख का आश्रय बन जाएगा, आत्मा इस प्रकार दूर वाला हो जाता है। लेकिन आप ऐसा ऐसा स्वर्ण कर सकते हो कि इसको उत्तर में हम बोलते हैं सुनो, आत्मा न सर्वत्र एकत्व, आत्मा का सभी शरीरों में एक होने के कारण तस्य तस्य आत्मन स्वरूपेण, अब स्वरूप से सर्व सुखादि, इस प्रकार आकाश का स्वरूप या शब्द गुणतम आकाश, इसी प्रकार सुख दुखादि मतम आत्मा, ऐसा सुख दुखादि मान आत्मा ऐसा बोलना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि सर्वेण सर्व सुखादि मतम इति, इस प्रकार से जो द्वितीय पक्ष का, द्वितीय पक्ष क्या था, सर्व उपाधिषु आत्मा ऐक्या तस्य स्वरूपेण सर्व सुखादि मतम से आदि द्वितीय पक्ष है। इसलिए वो द्वितीय पक्ष को इसको विवक्षण इस पक्ष बोलने की इच्छा से पहले आशंका करते, ये भी आपका सही नहीं है, उसको लेकर के देखिए भाष्य का क्या है। ननु एक एव आत्मा, पूर्वादि बोल रहे हैं, आपने तो कहा कि एक ही आत्मा हम मानते एक आत्मा, सही बात नहीं, पर तो तुम समझ के बोल रहे हो, बिना समझ के बोल रहे हो। हम बोलते हैं वेदांती भी एक आत्मा बोलते हैं, और दूसरा कई बार दिन बोलता है एक आत्मा, अभी तो बोला कि एक आत्मा जी क्या मान लिया, पर तो हमने जिस समझ से एक आत्मा बोला आप भी ऐसे समझा कि नहीं समझा, बिना नहीं बिना समझे बोलोगे तो उल्टा जगह में पहुँच जाए। तब यहाँ पे बोलते हैं बाधम, ठीक बोला तुमने, हमने आत्मा की एकत्व मानते हैं। तनु नस्तम दया आकाश व सर्वसंघात एक ही वो आत्मा ही थी, क्या आपने नहीं सुना बल्कि प्रकार का क्या बोलता है, जिस प्रकार सभी बातें जब तुम सभी जगह में एक ही आकाश है, इसी प्रकार सभी शरीरों में आत्मा एक ही है, दोनों जगह पे ननु है, एक जगह पे ननु शंकर तो है। हाँ हाँ हमने ऐसा ही कहा, आपने नहीं सुनाई दिया क्या, हमने ऐसा ही कहा क्या, सभी शरीरों में आत्मा एक ही है ना, ये शंकर तो नहीं है, ये वो निश्चित हमारे ये सिद्धांत है। पाठ अब समझ के बोल रहे हैं, नहीं समझ के बोल रहे हैं, आकाश व सर्व संघात एक आत्मा, आकाश की तरह समस्त संघातों में आत्मा एक ही है। हाँ हाँ अच्छा, आपने क्या मान लिया ना तुमने, तब क्या हो जाएगा, यदि एक एव आत्मा कहीं सर्वत्र सुख की कितना से है, पूर्व पक्षी बोल रहे हैं वेदांति को बोला तुम एक आत्मा मानते हो, बोलता हाँ मानता हूँ, हाँ मानते हो ना, तब क्या हो जाएगा, सभी का एक सुख दुख की आत्मा ही तो सुख दुख की बात, एक ही आत्मा सुख चेतन के बिना तो सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, तो आत्मा सुख दुख की होगा। इसलिए बोलता है यदि एक एक आत्मा, यदि तुम्हारी यही मान्यता है कि आत्मा एक ही है, कहीं सर्वत्र सुखी दुखी जो है, हर जगह पे आत्मा सुखी दुखी होता रहेगा, सुख दुख की आश्रय सुख दुख स्वरूप आत्मा ही हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के बिना होना संभव नहीं है। तो हम आपसे पूछते हैं आप किस वादी को पक्ष लेकर के बोल रहे हैं, हमारे पास आस्तिक दर्शन कितना आस्तिक दर्शन है, छह आस्तिक दर्शन, उसमें सबसे पहला है शांत और उसका अनुसरण करने वाला योग दर्शन, वो पुरुष बहुत्व को मानते हैं। तो आप शांतवादी के पक्ष को लेकर के बोल रहे हैं, और तुम्हारे न्याय वैशेषिक है, वो भी जीवात्मा परमात्मा भिन्न मानते हैं, परमात्मा एक है जीवात्मा अनेक है, वो भी आत्मा भेद मानते हैं, अथवा तुम न्याय वैशेषिक के पक्ष को लेकर के बोल, अथवा तुम पूर्व मीमांसा के पक्ष को लेकर के बोलो, कर्ता भोक्ता आत्मा अलग अलग कर्ता भोक्ता आत्मा, किस पक्ष को लेकर के तुम कहना चाहते हैं, कि हम उस पर पहले बोलें
तुम हमारे सामने जो शंका उठा रहे तो तुम किस पक्ष में पक्षपात करते हो? बोलते हैं कि यदि एक आत्मा कहीं सर्वत्र सुखी दुखी तब ये बीच में उसने देखो तुम किस पक्ष को लेके कहना चाहते हो, सांख्य योग दर्शन को लेके कहना चाहते हो अथवा न्याय वैशेषिक को लेके कहना चाहते हो, पूर्व मीमांसा को किस को लेके कहना चाहते हो? तो नाम तो सांख्यवादी है, हम ज्ञान पक्ष सांख्यवादी को भी शंका करना ही नहीं चाहिए, सांख्यवादी को ये शंका करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तुमने तो पुरुष को माना है, पुरुष सुख दुख अब तक तुमने माना ही नहीं, तुमने तो सुख दुख को बुद्धि का आश्रय नहीं माना, तो तुम्हारे साथ तुम्हारा विरोध है ही नहीं, शंका कैसे कर? तुम इसके लिए तुम पुरुष बहुत तो क्यों मान लिया, इसके लिए तुम पुरुष बहुत तो क्यों मान लिया? देखो इसलिए बोलते हैं ना चाहे एकदम सांख्यम चौदम संभव, सांख्य इस प्रकार की शंका सांख्यवादी सांख्यवादी नहीं कर सकते, एकदम सांख्य ये शंका सांख्यवादी का शंका होना संभव नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? सांख्यवादी ये शंका नहीं कर सकते हो तुम कि पुरुष में सुख दुख एक पुरुष में सुख दुख आ जाए, तुमने तो माना ही नहीं पुरुष में सुख दुख, फिर आत्मा में सुख दुख कहाँ से नहीं माना? अब क्या बोला, यदि एक आत्मा कहीं सर्वत्र सुखी दुखी कस है, चलो आत्मा सुखी दुखी हो जाएगा, आत्मा हमारे यहाँ पर जिसको आत्मा हो तो उसको पुरुष दुख, तो पुरुष सुखी दुखी हो जाएगा। अरे भाई पुरुष सुखी दुखी को तुमने माना ही नहीं, तुम ऐसा शंका कैसे कर सकते हो? इसलिए बोलते हैं न चाहे इधम सांख्य जो एकदम संभव, ये शंका जो है सांख्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों क्यों नहीं किया जा सकता? तो आपने आप बोले देखो नहीं सांख्य आत्मन सुख दुखादि मतम इच्छति, सांख्यवादी उनके सिद्धांत में पुरुष सुख दुख वाला है ऐसा नहीं मानते हैं, सुख दुख प्रकृति का धर्म है, बुद्धि का धर्म है, तुम्हारी मानना जैसे बोलते हैं नहीं क्योंकि क्योंकि सांख्य सांख्यवादी आत्मन सुखादि मतम आत्मन सुखादि मतम न इच्छति, सांख्यवादी पुरुष सुखादि सुख दुख आदि वाला है ऐसा नहीं मानते हैं, तुम्हारी मान्यता नहीं है, तुम्हारा अपसिद्धांत हो जाएगा तुम्हारा, इतने मानो क्यों? तो हम कहाँ तू कहाँ माना? बोलता है बुद्धि समवाय अभ्युगमनात् सुख दुखादि न, सुख दुख कहाँ रहता है? बुद्धि में, तुम्हारी मान्यता है, हम तो हमारी मान्यता नहीं करते। जब सुख दुख आत्मा के साथ संबंध ही नहीं है तो सभी आत्मा का सुख दुख सभी का सुख दुख एक ही आत्मा में आ जाएगी तो संभव हो जाएगी सकते। जब तुमने अपने आप माना कि सुख दुख पुरुष का धर्म नहीं है, यदि एक आत्मा होगा तो सभी आत्मा की सुख दुख एक ही पुरुष में आ जाएगा तुम कहना चाहते हो, तुमने तो माना ही नहीं पुरुष में सुख दुख, तो तुम कैसे शंका करते हो? तुम कैसे शंका करते हो उसको? इसलिए तो नहीं हो सकता चाहे एकदम देखो अन्नवादियों के सिद्धांत को इतना सुंदर उठा करके ठीक है उसके बाद सिद्धांत लेंगे कमियाँ दिखाएंगे न चाहे एकदम शांख हो एकदम सांभवती नहीं शांख आत्मन सुखादि मतम इच्छति, शांखवादी आत्मा में मतलब पुरुष में सुख दुख वाला है पुरुष ऐसा मानना उसके अभिष्ट नहीं है। तो कहाँ है क्या सुख दुख? बुद्धि समवय सुख दुख सुख दुख खा देना सुख दुख बुद्धि के साथ संबंध में रहता है ऐसा उनके मानना है। न चाह उपलब्धि स्वरूप आत्मनता बोलते हैं आत्म इस सुख दुख को मान्यता दे करके अलग अलग पुरुष में अलग अलग सुख दुख दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए पुरुष अनेक होना चाहिए ऐसा पुण्य मानना। अरे भाई जब पुरुष के सुख दुख नहीं है तो पुरुष को अनेक मानने का क्या आवश्यकता है? इसके बोलते हैं न चाह उपलब्धि स्वरूप आत्मन उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप पुरुष में भेद कल्पनाएं अनेक है इस विषय में प्रमाणम न अस्ति, तुमने जो पुरुष को अनेक माना इस विषय में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। यदि बोलते हैं मिलते हो तो जो पूर्वोन्मांस दर्शन जो बोलते हैं वो औपाधिक आत्मा कर्ता भुक्त आत्मा को वो अनेक मान गया ये मानते हैं औपाधिक परंतु स्वरूप तो आत्मा में अनेक नहीं है। न उपलब्धि स्वरूप आत्मा में भेद कल्पनाया आत्मा में मतलब पुरुष में अनेक प्योरिटी ऑफ पुरुष है ना पुरुष अनेकता पुरुष बहुत ये जो है ज्ञान स्वरूप पुरुष में ऐसा मानना समझ। यदि वो पुरुष सुख दुख वाला होता तब तो पुरुष अनेक मतलब पुरुष को आपके स्वयं मन असंग पुरुष तुम्हारी मान्यता ही है और पुरुष को तुमने ज्ञान स्वरूप माना चेतन माना इस प्रकार ज्ञान स्वरूप पुरुष को अनेक मानने की किसी को जरूरत नहीं है। सुख दुख आप दिखाई दिया अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग सुख दुख दिखाई पड़े जब सुख दुख का अधिकरण पुरुष है ही नहीं तो उसकी भिन्नता से पुरुष की भिन्नता कैसे बोल रहे हो? पुरुष तुमने भी ज्ञान स्वरूप माना
उनका शब्द को उनको दिखा रहे, तुमने पुरुष को ज्ञान स्वरूप माना, पुरुष को तो तुमने सुख दुख वाला माना नहीं, तो सुख दुख की भिन्नता के पुरुष दुख सब को मान लो। इसलिए बोलते हैं न जो उपलब्ध स्वरूप आत्मा भेद कल्पना आया प्रमाण अस्तित्व प्रमाण नहीं, भेद अभावित प्रमाण प्रमाण से पारक अनुपति पूर्ववादी बोल मतलब सांख्यवादी बोल रहे हैं हमारे एक सिद्धांत है संघात परार्थत्व, ठीक है ना, ये हमारा प्रकृति एक संघात संघात तो संघात अपने लिए नहीं होता उसके लिए, ठीक है, वो किसी को मुक्त करता है किसी को बंधन में करता है किसी को सुख देता है किसी को दुख देता है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया कि ये दूसरे के लिए होने के कारण और दूसरा यदि अनेक होगा तभी तो उसका काम अलग अलग काम सफल समझ मतलब सफल होगा, दूसरा यदि एक होगा तो अलग अलग काम कैसे हो सकते हैं, इसलिए पुरुष को बहु माना है। कौन बोल रहे हैं, शांतवादी बोल रहे हैं, शांतवादी बोल रहा है भेद अभावे यदि पुरुष में भिन्नता नहीं मानोगे तो प्रधान से पार्थक्य अनुपति किसी को बंधन में डालता है किसी को मुक्त करता है किसी को सुख देता है किसी को दुख देता है कि कौन प्रधान, और जब ये अलग अलग क्योंकि एक ही पुरुष में एक ही साथ एक ही सुख और दुख एक साथ रह सकता है क्या, एक ही पुरुष में एक ही साथ सुख और दुख रह सकता है क्या, नहीं रह सकता, यानी कि पुरुष अलग अलग होगा, एक पुरुष अलग है इसलिए सुख है, वो पुरुष अलग है इसलिए दुख है, इसलिए पुरुष भिन्नता मानना आवश्यक है, एक ही अधिकरण में एक ही साथ दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकता, यानी आत्मा एक होगा एक ही साथ यही बैठ करके किसी को अच्छा लग रहा है किसी को बुरा लग रहा है क्यों लग रहा है, यदि आत्मा एक ही होता तब तो एक एक साथ तो विरुद्ध धर्म नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे पुरुष को अलग मानना चाहिए, वो पूर्ववादी बोल रहा है, इसलिए बोलता है भेद अभावे यदि यहाँ पे भेद नहीं मानोगे तो प्रधानस्य पारार्थम प्रधान दूसरे के लिए होगा, है ना, एक एक होता है अंश एक होता है अंशी, है ना, मतलब प्रधान हो गया आपका अनेक चीज से बना हुआ है और वो है उसके शेषी के लिए होता है, शेष शेषी के लिए होता है, जो अवयव होता है वो अवयवी के लिए होता है, अवयव हाथ पैर वाला और अवयवी जो शरीर से मालिक है ना, और शरीर के मालिक इस अवयव को प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा भेद अभाव प्रधान पराक्रम, भेद के लिए अभाव होगा ना प्रधान दूसरे के लिए है प्रधान दूसरे के लिए काम करता है ये मान्यता हमारा टूट जाए, तो नहीं नहीं चेतन तत्व को रहने के कारण प्रधान काम कर सकता है इस विषय में तो हमारे साथ एक मत है, इसके लिए चेतन की अनेक होने की आवश्यकता नहीं है, क्या बोला चिंतन तो क्या बोलेंगे ठीक बोला प्रधान परार्थ तत्व मतलब जड़ कोई जड़ में क्रिया चेतन के रहने के कारण हो पाता है इतना तो चाहिए, मतलब उसके लिए चेतन को अनेक होना पड़ेगा जरूरी नहीं, चेतन एक ही है और जड़ भिन्नता के कारण उसे चेतन क्या लग रहा है, इसीलिए आप बोलते हैं न आपका कथन सही नहीं है, प्रधान तेजस्य अर्थस्य आत्मनि असमवया, प्रधान के द्वारा जो भी कुछ विषय को दिया गया है वो आत्मा में नहीं रहता तो प्रधान में रहता है, लेकिन सुख दुख जो बुद्धि के धर्म है प्रधान के धर्म है आत्मा के धर्म नहीं है, तो आप जो है आत्मा के प्रधान के धर्म को लेकर आत्मा में भिन्नता क्यों मानते हैं, प्रधान में भिन्नता मानो ना, प्रधान से अंतकरण एक मानते हैं पुरुष एक मानते हैं, एक सूर्य है अनेक घराओं में प्रतिफलित होकर अनेक रूप में दिखता है, ठीक इसी प्रकार एक आत्मा है अनेक अंतकरण प्रतिफलित होकर अनेक रूप में व्यवहार करते हैं, इसलिए आत्मा को अनेक मानने की आवश्यकता नहीं है, प्रधान कृतस्य अर्थस्य प्रधान के तरह जिस विषय को दिया जाता है पुरुष के लिए प्रधान पुरुष के लिए सुख दुख भोग अपवर को देते हैं, आत्मनि असमवया बंध मोक्ष क्या सांख्यवादियों ने भी बंध मोक्ष को आत्मा के धर्म नहीं माना, बंध मोक्ष बुद्धि के धर्म है, बंध और मोक्ष आत्मा के धर्म नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब सत्य मानते हैं सारा वस्तु को, यदि सत्य बंधन सत्य होगा तो कभी मुक्त हो पाओगे संभव ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं ये संग्रह वाक्य है न प्रधान कृतस्य अर्थस्य आत्मनि असमवया, ये संग्रह वाक्य आपका कथन सही नहीं है, प्रधान जिस विषय को पुरुष को प्रदान करते हैं वो आत्मा में समावित नहीं है, प्रधान नहीं रहता है वो, उसको समझा है यदि ही प्रधान कृत बंध मोक्ष वार्थ यदि प्रधान पुरुष को भोग और अभोग को प्रदान करते हैं तो प्रधान कृत बंध मोक्ष वार्थ पुरुषेषु भेदेन समवैति, यदि प्रधान के द्वारा प्रयोग किया गया है किसी को बंधन में डालता है किसी को मुक्त करता है यदि यही तुम्हारी मान्यता है वो पुरुष में रहता है, यदि पुरुष में यह समवाय संबंध से रहता
तब तो पुरुष में भिन्नता मान ली, परंतु पुरुष में तो नहीं रहता, वो तो प्रधान नहीं रहता, इसलिए प्रधान में भेद मान ली। इसलिए बोलते हैं पुरुष ने भेदे ने समवेति तत् प्रधान से प्रारब्धम आत्म एकत्व न होते, तब प्रधान दूसरे के लिए होता है, आत्मा एक होने पर ये युक्ति संगत नहीं होता, परंतु प्रधान की गुण प्रधान नहीं रहता है, वो आत्मा में नहीं जाता, आत्मा सर्वथा असंख्य, ये सावाली मानते हैं, उनका भी मानते हैं असंख्य अयम पुरुष, इस बात को भी मानते हैं, बंधन मोक्ष पुरुष का धर्म नहीं है, बंधन मोक्ष किसकी धर्म है, बुद्धि। तो जब यहाँ पे बुद्धि भिन्नता है तो यहाँ पे तुम्हारा एक मन क्यों हुआ, यहाँ पे तुम्हारा मानो अंतकरण को अनेक मानो, प्रकृति को अनेक मानो, प्रत्येक जीव के अलग अलग प्रकृति दिखाई तुम्हारी कमी है, इसके तो प्रधान आत्म एकत्व, प्रधान जो है दूसरे के लिए होता है, आत्मा एकत्र, यदि आत्मा एक होता तो वो युक्ति संगत नहीं होता, यदि प्रधान के अंदर जो गुण है वो पुरुष में स्वयं संबंध से रहता तब भी युक्ति संगत नहीं होता, इसी पुरुष के पुरुष भेद कल्पना, तब पुरुष में नहीं मानते बोल देखिए न सांख्य सांख्यवादियों के द्वारा बंध मोक्ष का अर्थ बंध मोक्ष रूपी विषय पुरुष समवेत अद्भुत बंध मोक्ष रूपी जो विषय पुरुष के साथ समवय संबंध से रहता है ऐसा सांख्यवादी तुम भी तो नहीं मानते हो, तो ये बंध मोक्ष को लेकर के मतलब पराचंत्र को लेकर के तुमने क्यों पुरुष को अनेक मान लिया, प्रकृति को अनेक मान लिया, इसलिए बोलते हैं ना शांति बंध मोक्ष पुरुष समय तो अद्भुत, तो क्या माना पुण्य पुरुष को, देखो जैसे अपने आप ही बोल रहे निर्विशेषा निर्विशेषाश्च चेतन मात्र आत्मन अद्भुत, बहुवचन में बोल रहे हैं इनको वो मानते हैं, तो वो मानते हुए भी तुमने क्या किया पुरुष को निर्विशेष मान, पुरुष को तुम निर्विशेष चेतन मानते हो फिर पुरुष में बंध मोक्ष सुना चाहिए, बंध पूर्व तो प्रकृति के धर्म है, अब हाँ इतना हमारा जरूर कहना है कि प्रधान प्राप्त होते हैं संघात पराष्ट होता है, परंतु पराष्ट को अनेक होना चाहिए जरूरी नहीं है, मकान की मालिक अनेक होना चाहिए जरूरी नहीं है, एक भी मकान मालिक हो जाए मकान दूसरे के लिए है, मकान दूसरे के लिए इसमें जो कोई संदेह नहीं, परंतु एक ही मकान की अनेक मालिक हो ऐसा जरूरी नहीं, प्रत्येक मकान का अलग अलग अनेक मालिक जरूरी, एक मालिक से भी काम चल जाता है, एक मकान के एक मालिक इसी नियम होते, अतः पुरुष सत्ता मात्र प्रयुक्त है, इसलिए पुरुष की सत्ता चाहिए, इस विषय में चेतन की सत्ता तो चाहिए, परंतु चेतन में अनेकता नहीं चाहिए, ये सिद्धांत है, अतः पुरुष सत्ता मात्र प्रयुक्त एवं प्रधान से पार्थ सिद्ध, इसलिए प्रधान की पार्थ सिद्ध हो जाए, न तो पुरुष भेद प्रयुक्त है, पुरुष की अनेक होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, एक पुरुष से काम एक चेतन तक से काम चल जाए, अनेक की आवश्यकता नहीं है, उनका एक सिद्धांत है संघात अंतर तो बड़ा चंद्रकारी काम है, संघात पार्थ संघात दूसरे के लिए होगा, प्रधान एक संघात है तो दूसरे के लिए होगा, हाँ जरूर दूसरे के लिए होगा, परंतु दूसरा अनेक होगा ये जरूरी नहीं है, एक एक के लिए भी हो सकता है, ठीक है आप देखिए टीका के साथ इसको समझेंगे स्पष्ट संबंध आ जाए, यहाँ तक हो गया सांख्यवादी को संख्या को लेकर, यहाँ पूरा नहीं हुआ आगे की पंक्ति में, अतः आगे देखिए अतः पुरुष भेद कल्पनाया अपना प्रधान से प्रारब्धम हेतु, इसलिए पुरुष की भेद की कल्पना में ये प्रधान संघात परार्थक मतलब प्रधान दूसरे के होता है, इसलिए पुरुष अनेक होना चाहिए ये तुम नहीं कह सकते, हाँ एक चेतन तब तो चाहिए तो हम मानते हैं, न पुरुष भेद कल्पनाया प्रमाण हस्त सांखाना, इस और इससे बिना पुरुष की भेद कल्पना में सांख्य के प्रति कोई दूसरा प्रमाण भी नहीं है, पर सत्ता मात्र निमित्त कृत स्वयं बद्ध के मुंशते च प्रधान, चेतन की सत्ता मात्र को निमित्त करके, अब जरा चीज को देखिए होता क्या है, चेतन आत्मा की सत्ता को निमित्त करके करके ही बुद्धि ही बंधन में आता है, बुद्धि मुक्त होता है, समझ में आता है ये हो क्या रहा है, मैं कल भी बताया था आकाश नीला है कटहकार है, हम पहले क्या जानते थे यही सत्य है, शास्त्र पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि आकाश नीला भी नहीं है कटहकार भी नहीं है, प्रकृति वैसी हो रहा है, इससे आकाश को क्या फर्क है, ठीक इसी प्रकार बुद्धि ही हमको बंधन में डाला
और बुद्धि शुद्ध होकर हमको मुक्त करता है, इससे आत्मा को क्या प्राप्त होता है? पर सत्ता मात्र चेतन आत्मा की सत्ता मात्र से ही चेतन निमित्तीकृत इसी को निमित्त बना करके स्वयं बंधन के मुक्त चेतन प्रधान बुद्धि ही बंधन में आता है, बुद्धि मुक्त होता है। ठीक है, श्री प्रधान बुद्धि मुक्त है। श्री यादव बोलते हैं परश्च उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूप प्रधान प्रवृत्ति हेतु न के विशेषण अभी भी यहाँ पे परमात्मा को यहाँ तक छोड़ दो, क्योंकि इसके आगे जो है ना शेष शंखवादी को लेकर के बोल रहे हैं, ईश्वर को लेकर के शेष शंखवादी को लेकर के यहाँ उत्तर देना, पहले शंखवादी को लेकर के उत्तर दिए, तो यहाँ तक शंखवादी हो गए। तो क्या सिद्धांत हुआ कि चेतन तत्व की विद्यमान है तो निश्चित चाहिए, परंतु चेतन तत्व की विद्यमान का निमित्त करके बुद्धि ही उस चेतन को बंधन में डालता है, मतलब बुद्धि ही बंधन में आता है, बुद्धि मुक्त होता है। वास्तविक आत्म में ना बंधन है ना मुक्ति है। देखो पहले जो बोल करके आया था ना निरुद्ध न चोत्पत्ति न बंधन साधु हो, उसको देखिए लॉजिकली कितना सुंदर समझाया गया। यहाँ तक शांतवादी को आप देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं, टीकाकार इसको स्पष्ट करके समझाएंगे। आत्मा सर्वत्र एकत्व टीका में 132 पेज में सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, आत्मना सर्वत्र एकत्वात् तस्य स्वरूपेण सर्व सुखादिमत्तमिति द्वितीय पक्ष विवक्षण विवक्षण आशंकते, उसको विवक्ष करते शंका करते हैं। एक एव आत्मा सर्वत्र आत्मा एकत्वम उक्तम अंगी कभी तुमने कहा कि सब जगह में मानते हो क्या मंत्र घर चली में का हम अंगीकार करते हैं सर्वत्र आत्मा एकत्वम उक्तम अभिधान, हमने ये माना शास्त्र में ऐसा तो अंगीकार करते बारम तब एकत्वम उपपत्तिशंकम कथम अंगीकृतम की आशंकम, युक्ति रही थी इस एकत्व को तुम कैसे मान सकते हो, तब एकत्वम उपपत्तिशंकम युक्ति शून्य कथम अंगीकृतम तो कैसे आपने अंगीकार किया इति आशंका हो, ओहो हमने कैसे अंगीकार किया तुमको समझ में नहीं आया, मनु अश्रुतम दया आकाश वाद सर्व संघर्ष स्वेक आत्मा, आकाश की तरह समस्त संघर्ष में आत्मा एक ही आत्मा नहीं है। अब ठीक आगे देखिए बोलते हैं यदि सर्वत्र एकत्वम नियतम इष्यते, यदि समस्त आत्मा एक ही है और सभी में नियत है, यदि यही तो हमारा अभिप्राय कहीं तत्र तत्र सुखित दुखित च तस्य एव एकस्य प्राप्तम, तब तक अलग अलग शरीर में जो कहीं पर सुखित दुखित सब दिखाई दे रहा है इसको प्राप्त होगा, उस एक ही आत्मा को प्राप्त हो आत्मा भी प्राप्त हो तत्र तत्र सुखित दुखित तस्य एव एकस्य आत्मन प्राप्त विधि व्यवस्था अशिद्धि, इस प्रकार सिद्धांत से क्या हो जाएगा व्यवहारिक जो व्यवस्था है सबको अलग अलग सुखी अलग अलग दुखी दिखाई पड़ता है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। यदि इसको मन में रखते हुए यदि एक एव आत्मा कहीं सर्वत्र सुखी दुखी ठीक है, यदि सर्वत्र एकत्वम नियतम ईश्वर यहाँ पर सर्वत्र शय नंबर टिप्पणी सर्वत्र एकत्वम नियतम ईश्वर अनेना इससे क्या कहना देता है स्वकर्म जन्म देह भेदेशु आपका शरीर हमारा शरीर में भिन्नता क्यों हुआ स्व अपने अपने कर्म से कारण अनेन इसके द्वारा इस कथन के द्वारा स्व कर्मजन्य देह भेदेशु अपने अपने कर्म के निमित्त से शरीर में भिन्नता में आत्म अभेद परंतु शरीर भिन्न होने पर भी आत्मा भिन्न नहीं है, आत्मा कितना है आपने किया इसलिए बोलते हैं आत्मा अभेद मया अपेक्षा ये तो हम मानती है मानती है शरीर के अपने अपने कर्म कर्म शरीर के द्वारा किया जाता है और उस कर्म निमित्त तो शरीर भी अलग अलग होते हैं परंतु उसके अंदर विद्यमान चेतन एक विद्यमान चेतन ये हमारा मान्यता है अनेक स्वकर्म जन्य भेदेशु आत्म अभेद माया अपेक्षते तो अपने अपने कर्मजन्य शरीर भिन्न होने पर भी आत्मा एकत्र एक हमारा द्वारा अभिष्ट ही है प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा इसलिए मतलब इसलिए
व्यवस्था सिद्धि व्यवहारिक जगत में क्या दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग शुभ अलग अलग रूप होता है ना, इसलिए व्यवस्था जो दिखाई पड़ता है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। इतनी छोटे इसको मन में रखते हुए शंका करते हैं। जब एक ही बात दो नंबर की पढ़ में देखिए इस खंड में मतलब 133 पेज में दो नंबर की पढ़ने व्यवस्था असिद्धि एकस्य युगपत् विरुद्ध अनेक धर्म अनाशायत्व नियम व्यवस्था तदंगति एकस्य एक ही आश्रय में युगपत् एक साथ अनेक विरुद्ध धर्म रह सकता कि नहीं रह सकता, एक आश्रय में एक ही काल में एक आश्रय में भिन्न काल में कम शुभित्व कभी दुखित्व रह सकता है, कभी उदासीनत्व रह सकता है, परंतु एक ही काल में एक ही आश्रय में एक साथ दो तीन विरुद्ध धर्म नहीं रह सकता। ये व्यवस्था को दिखाई पड़ता है एक ही काल में एक ही व्यक्ति को सुखी, एक ही काल में एक ही व्यक्ति में दुखी, एक ही घर में बच्चा भाई बहन अथवा दो भाई, एक भैया सुखी एक भैया दुखी एक ही समय, क्योंकि स्कूल से डांट पड़ा और रुकी है स्कूल का काम कर लिया तो सुखी है। यदि एक ही आत्मा होता तब क्या होता, एक ही सुख दुख एक ही अधिकार में एक साथ होना चाहिए था, हम ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए आप लोग बोलते हैं व्यवस्था एकस्य एक आत्मन युगपत एक साथ विरुद्ध अनेक धर्म अनाश्रयतम अनेक विरोधी धर्म है ना, एक सुकृत दुखित विरोधी धर्म एक ही आश्रय में एक ही काल में एक साथ रह जाएगा ये कभी हो ही नहीं सकता। ये नियम इसी को यहाँ पे व्यवस्था शब्द के द्वारा कहा जाता है आश्रय नियम व्यवस्था तब अनुपत्ति, इस प्रकार की व्यवस्था होना संभव नहीं होगा क्योंकि अर्थ इसका विरोध करता है। व्यवस्था असिद्धि यदि एक ही अब टीका में आते हैं आत्मस्वरूपस्य सर्वत्र एकत्वेऽपि कल्पित भेदात् व्यवस्था सिद्धि इति अभिव्यक्त है ना। आत्मस्वरूप सभी के एक होते हुए भी क्या हो गया, जो उपाधि में कल्पित भेद को लेकर के उपाधि में कल्पित भेदात् व्यवस्था सिद्धि व्यवस्था सिद्ध हो जाता है। देखो ये भी पंच महाभूत से बना हुआ और काम कल में ही दिया, ये भी पंच महाभूत से बना हुआ आत्मा के स्वरूप हर जगह पे एक होते हुए भी कल्पित भेदा कल्पित भेद उपाधि में कल्पित भेद को मान करके व्यवस्था सिद्धि वहां पे व्यवस्था सिद्ध हो जाता है। व्यवस्था सिद्ध अभिप्रेत तो इसको मन में रख करके अब हमसे पूछते हैं हमारे मन में क्या बैठा है, पहले बता दिया क्या बताया वेदांति के मन में क्या बैठा है, आत्मा एक है और उपाधि की कल्पित उपाधि के भेद से आत्मा में शुद्ध हो जाए उसको अभी पहले नहीं बोलते, पहले क्या बोलते हैं बोलो तुम हमारे पास से घर में आए हो किस उपाधि के पक्ष में लेकर के घर में आए शाम को जो शाम को लेकर के अथवा न्याय वर्ष शुद्ध होते हैं कोमा काट दे रहा अभिप्रेत किमिदम शांख चोद्यम किंबा वैशाषिका विकल्प ये शांखवादी की शंका है अथवा न्याय वैशिका दोनों शंका है ऐसा विकल्प करके मतलब मन में उठा करके आद्यम यदि तुम शांखवादी हो तो हमारे उत्तर सुन लो आद्यम मतलब कौन हो गया शांखवादी, यदि तुम शांखवादी के पास जो बोलने आए हो तब तुम हमारा उत्तर को सुन लो विकल्प आद्यम प्रत्यम न चाह इदम शांख चोद्यम शांखव शांखवादियों को तो ऐसा शंका करना ही नहीं चाहिए। उसने तो तुमने तो पुरुष में तो सुख दुख माना ही नहीं, अलग अलग पुरुष में अलग अलग सुख दुख तुम कैसे बोलो इसके लिए पुरुष अलग होना चाहिए, यानी कि सुख दुख यदि पुरुष की धर्म होगी तब तो अलग अलग पुरुष में सुख दुख बुद्धि अलग अलग बुद्धि बोलो ये बोलते हैं कुछ बोलते हैं इतना सांख्य चोदम कि वैशाषिक आदि अर्थात न्याय वैशाषिक आदि गई थी विकल्प इस प्रकार विकल्प करके आद्यम प्रत्या हो पहला शंका करने वाले को कभी बोलते न चाहे एकदम सांख जो एकदम संभवती उसका उसी का व्याख्या कर दिया नहीं सांख आत्मन सुखादि मतलब इच्छा नहीं बुद्धि समय अद्भुत अभाव सुख दुखादि न ठीक है इसलिए मुक्ति शंका नहीं कर सकते। फिर जी का मैं किंच ऐकात्म दूषयता सांख्येन तद भेद अभ्युगमन अब देखो एकात्म की दूषित करने वाला सांख्यवादियों द्वारा आत्मा की भेद को माना जाता है। हम आपसे पूछते हैं किस निमित्त से तुमने आत्मा को भेद माना, ऐकात्म को दूषित करने वाला वेदांतियों के प्रति तुम दोष देते हो तो हम आप कहते हैं पुरुष को भिन्न आपने क्यों माना, क्यों पुरुष को भिन्नता माना, इसलिए बोलते हैं
ऐकात्म्यम दूषयता, एकात्म की दूषित करने वाले सांख्यवादियों के द्वारा तद भेद अभ्युगम, तो आत्मा में अंतर पुरुष में भेद को माना जाता है। सच न अभ्युगम शक्य थे, इस प्रकार पुरुष में भेद को नहीं मान सकते। क्यों? तब मान अभाव, पुरुष भेद के लिए प्रमाण की अभाव है। शास्त्र ने पुरुष को भेद नहीं दिखाया, क्योंकि आह उसका मन में रखते बोलते हैं न च उपलब्धि स्वरूपस्य आत्मनो भेद कल्पनायां प्रमाणमस्ति। उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा में भेद कल्पना में, आत्मा शुद्ध दुख स्वरूप नहीं है, आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान में भिन्न ज्ञान यहाँ पे क्रिया होता है, घट क्रिया पट क्रिया मठ को बुद्धि वहाँ पर भिन्न है, ज्ञान स्वरूप आत्मा में। जिस प्रकार देखिए एक ही लाइट रखा और उसके सामने आपने एक डिस्क के ऊपर अलग 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 कलर के आपने अलग अलग सीधे अलग अलग आप उसको घुमा रहे हैं तो सामने क्या दिखाई देगा आपको? लाल काला पीला हरा सब घूमता हुआ दिखाई देगा लाइट। अब लाइट लाल काला पीला हुआ क्या कभी? सफेद, ठीक है ना। जब तुमने पुरुष को सुख दुख अलग माना ही नहीं, तो सुख दुख धर्म लाल काला पीला तो डिस्क का धर्म है, तो उसके लिए तुम पुरुष का नहीं क्यों मान लिया? आवर्ति जगत्य प्राप्यतेकं अनेकं विविध विषय धर्म ग्राहि मुक्तेक्षणानां प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म यत्तन्नमोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य